छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव एक दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नवलय संस्था द्वारा आयोजित शालिग्राम तोमर स्मृति समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के संगठन मंत्री रहे शालिग्राम तोमर की स्मृति में कार्यक्रम हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने शालिग्राम तोमर के साथ काम किया है, उनकी स्मृति में सम्मान देने का काम हुआ है। सभी पुराने साथियों से मिलकर नया उत्साह, नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ से करीब 70 कार्यकर्ता यहां आए हैं। ये सभी 1990 के दशक के एबीवीपी कार्यकर्ता हैं। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और छत्तीसगढ़ के एबीवीपी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज एबीवीपी के पुराने कार्यकर्ता मध्य प्रदेश आए हैं, इससे मुझे संयुक्त मध्य प्रदेश के पुराने दिनों की याद आती है। मैं प्रतिनिधि मंडल का मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। हमारे संगठन मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के शालिग्राम तोमर जी की स्मृति में एक पुराने कार्यकर्ताओं का मिलन का कार्यक्रम और उनकी स्मृति में सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हम भोपाल आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से 70 के लगभग कार्यकर्ता आए हुए हैं। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहां पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है, बहुत आनंद आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका आत्मीय स्वागत किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं विद्यार्थी परिषद के 90-92 से पुराने हमारे सारे कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ से आज मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमद अरुण साहू जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी से लगा करके डॉक्टर विमल चोपड़ा तक ऐसे सारे मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूं। मैं मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश में आप सबका स्वागत है।